नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको क्लासी मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कल यानी कि एक्सपायरी के दिन हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहना चाहिए, हमारा ट्रेडिंग का लेवल क्या रहना चाहिए और किस लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने अभी तक अगर मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाइए, क्लिक कीजिए, जस्ट ज्वाइन बटन को प्रेस कर लीजिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे। क्योंकि आपके स्क्रीन के साइड में आ रहा होगा हर दिन में लाइव मार्केट में, वहां पे इतना सब कुछ आपका हेल्प करता हूँ। जो लोग लाइक है, जो आप पेड टिप लेके, कॉल टिप लेके, जिसको पैसा पे करके लेते हो, वो सब कुछ मैं फ्री में देता हूँ। लेवल वगैरह, प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर लॉजिक के साथ, ऑप्शन चेन एनालिसिस, एनीथिंग मैं लाइव मार्केट में करके देता हूँ। इसीलिए आपको बोलता हूँ जल्दी से जाओ यार, ज्वाइन कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो जो लोग लाइक करेंगे कल एक्सपायरी के दिन उनको प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अपने फ्री वाले जो टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैंने रात को 12-1 बजे के आसपास सब कुछ वीडियो वगैरह अपडेट, सॉरी लेवल वगैरह अपडेट कर दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं आज मैंने 10:14 पे लेवल दिया था 35,034, ब्रेक करेगा तो ही डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा बोल के। और आप देख सकते हो एट द एंड में लेवल आया, ब्रेक किया, सस्टेन किया और छोटा सा डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला। बट एट द एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट ह्यूज वोलेटाइल था और ऐसे वोलेटाइल मार्केट में आप अगर चाह रहे हो ऑप्शन बाइंग करके मैं पैसा बना लूंगा अच्छा खासा, मेरे हिसाब से ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इतना वोलेटाइल मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, राइट। फिर भी अपना बेस्ट ट्राई किया, क्योंकि पिछले 7 दिन से हर दिन लेवल सही होता था, आज तो मतलब मार्केट मोमेंटम दिया ही नहीं स्मूथली, तो कैसे सही होगा, ठीक है। तो चलो यार, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ऊपर से मैं ऑप्शन चैनल का फ्री एनालाइज करके दिया, ऊपर से एट द एंड में हम छोटे से पॉइंट लेके निकल गए। चलिए देखते हैं कल के दिन हमारा बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेडिंग प्लान क्या रहना चाहिए। देखिए अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जल्दी से जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बैंक निफ्टी का पहले हम देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज में पहुंच गया है, ठीक है। मार्केट का एक ऐसा स्टेज आता है जब आप सिर खुजाना चालू कर देते हो, तो वही स्टेज है, आप समझ जाओ, ठीक है। अभी देखो बैंक निफ्टी को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं बहुत सिंपल वे। बैंक निफ्टी के लिए कल हम क्या डिस्कस किए थे कि कल ये जो 35,376 है ये एक लेवल है, यहाँ से डाउनसाइड मोमेंट दिया था, अगेन ऊपर आया, मैंने बताया था यहाँ से अगेन थोड़ा सा लाइक डाउनसाइड मोमेंट दिया। एन कल हमारा प्लान क्या था, अगर इसको तोड़ेगा तो हम बाय साइड होंगे क्या, इसने तोड़ा नहीं, एक लाइक जानबूझ के पंप किया गया और इसी लेवल से ही एग्जैक्टली रिजेक्शन आ गया है। तो ये हमारे लिए कल के लिए बन जाता है रेजिस्टेंस और कल के लिए ऑप्शन सेलर के लिए सबसे ज्यादा ऑप्शन लाइक कॉल राइटिंग भी यहाँ पे हो चुका है 35,300 के आसपास। तो ये लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तो ही हम बाय करेंगे, नहीं तो नहीं, हाथ जोड़ के नहीं भाई, नहीं करने वाले हम बाय। क्योंकि आप पूछोगे सर ये जो स्पेस बाकी रहा 200 पॉइंट का, यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचो अगर आप इस टाइप के सिचुएशन में बाय करोगे, यहाँ पे जैसे जिगजैग मोमेंट करके नीचे आया है ना, उतना ही ऊपर जिगजैग मोमेंट करके ऊपर ही जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन मिलेगा, क्लियर व्यू कब मिलेगा, नीचे का साइड क्लियर व्यू मिलने का चांसेस 100% है कल के लिए। रीजन क्यों है, देख ली कल ये लेवल मैंने बताया था, राइट, और फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी 12 बजे जो पोस्ट करता हूँ यही लेवल ही मैं पोस्ट किया था। और आप देख सकते हैं मार्केट आज आया पूरे पिन बार की तरह टप करके चिपका और यहाँ से ऊपर साइड का मोमेंटम दिया। क्यों, रीजन क्या था, आप देखिए लास्ट टाइम मार्केट ऊपर आया था, यहाँ पे हॉल्ट किया था, यहाँ पे बूस्ट मिला था, तो यहाँ पे बायर थे, तो एग्जैक्टली इसी प्लेस पे आके आज मार्केट रुका और ऊपर गया और फिर नीचे थोड़ा सा यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। हमारा प्लान सिंपल सा रहना चाहिए, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ, अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होके 34,916 के ऊपर अगर लेवल सस्टेन कर दिया ना, तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, टारगेट रहेगा 34,600 और ये तोड़ा तो सीधे 400 तक। आपको क्लियरली समझ में आ गया आई होप सो, क्योंकि रीजन मैंने आपको बता दिया। अब बोलोगे सर बाय कब करें, बोल के देखिए बाय करने के लिए क्यों मैं मना कर रहा हूँ पता है, समझ लीजिए यहाँ पे मैं बेवकूफ़ जैसा एक लेवल आपको नहीं देना चाहता या फिर इलॉजिकली कुछ भी लेवल देना नहीं चाहता। सिंपल सा व्यू है, आप भी जानते हो कि हाँ भाई ऊपर का रूम आपको पता है कितना बड़ा है और ऊपर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे प्राइस जाएगा तो जिगजैग करके जाएगा, कॉल बाय करेंगे तो प्रीमियम गलेगा। तो अगर आपको कल बाय ही करना है, डेफिनेटली मैं लाइव मार्केट में लाइक सब कुछ लेवल दे दूंगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप ज्वाइन हो जाइए। अभी बाय के लिए नहीं सोचते हैं, बाय के लिए इतना प्लान रखना चाहिए 35,376 के ऊपर जाएगा कल तो ही बाय करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और ये जो इल्यूजन मैंने बना कर रखा है ये क्या करेगा, कल रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। अगर प्राइस जैसे 915 पे ओपन आया आया और यहां पे टच करके डेफिनेटली अगेन यहां से रिजेक्शन फेस करेगा। रीजन क्या है, ये अच्छा खासा एक सपोर्ट था, आज तोड़ा, पहली बार टेस्ट करने आएगा तो अगेन डाउनसाइड मोमेंटम आएगा। तो आपको ऊपर का पता है, नीचे का पता है। चलिए इतना डिस्कस हो गया, निफ्टी का हम क्या कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग फेज है। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में यूज किया हूं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहां पे हम एक्सप्लेन करने की मैं आपको कोशिश करता हूं।
निफ्टी में आप देख सकते हैं मैंने एक चैनल टाइप का पैटर्न बनाया, ठीक है, और इसी चैनल के अंदर ही निफ्टी देखिए ऐसे ऐसे घूम रहा है। देखिए टच किया नीचे, इसी ट्रेंड लाइन को टच किया, ऊपर गया, फिर नीचे, इसी ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर का ट्रेंड लाइन टच किया, फिर नीचे आया। बट यहाँ पे ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन 1, 2 एंड यहाँ पे क्या हुआ है, यही ट्रेंड लाइन को तोड़कर आज निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। तो हमारा सिंपल सा व्यू रहना चाहिए, कल अगर देखिए निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होके समझ लीजिए अगेन डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू करता है और 15,721 अगर ब्रेक कर देता है और 700 के नीचे आना प्राइस चालू कर देता है तो अच्छा खासा हमें सेलिंग देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो सपोर्ट था वो आज टूट चुका है एंड लास्ट स्विंग जो था ये इसी के आसपास था, राइट, 15,721 के आसपास। तो ये अगर टूटा तो हम सेल करेंगे एंड बाय कब करेंगे, 15,825 के ऊपर ही हम बाय करने के लिए सोचेंगे। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया कितना सिंपल एनालिसिस था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इतने एफर्ट देके मैं आप सबके लिए वीडियो बनाता हूं रोज एंड एनालिसिस भी अपना बेस्ट देता हूं, सो दैट वीडियो को लाइक बनता है, कमेंट बनता है, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ एंड चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। टेलीग्राम चैनल पे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं ज्वाइन हो जाइए एंड इतना ही, ठीक है, थैंक यू सो मच, अपने मम्मी पापा को बहुत सारे प्यार दीजिए, चलिए मिलते हैं कल के दिन, टेक केयर, बाय, सी यू।